रैली निकाल कर मतदाताओं को किया जागरूक, नुक्कड़ नाटक दिखाकर भी मतदाताओं को किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के नागेपुर हरसोस गांव में सोमवार को मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली गई। लोक समिति, विश्व ज्योति जनसंचार समिति और आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने राजा नहीं सेवक चाहिए गीरो बंद नाटक दिखाकर लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में सही, अच्छा और ईमानदार उम्मीदवार को वोट देने की अपील किया। युवाओं ने जो पिलाए हमें शराब, समझो उसकी नीयत खराब, न साड़ी न नोट से गाँव बदलेगा सही वोट से, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, मास्क और दो गज की दूरी, मतदान करना है जरूरी, साबुन से हाथ धोकर जाएंगे और मतदान करके आएंगे आदि नारा लगाते हुए गांव में रैली निकाली। इस दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा में लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद गांव में चुनाव को लेकर सरगर्मियां और गुटबाजी बढ़ गया है। बहुत सारे संभावित उम्मीदवार अभी से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दारू, मुर्गा, शराब पिलाकर खिलाकर बहुत सारे प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए सही और ईमानदार उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। अगर एक बार हमने गलत प्रत्याशी को जिता दिया तो 5 साल हमें पछताना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि आगामी चुनाव के पहले पूरे प्रदेश में शराब को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान अराजी लाइन और सेवापुरी के 50 से अधिक गांवों में पंचायत चुनाव संपन्न होने तक चलाया जाएगा। गांव के विकास के लिए सही प्रत्याशी चुनने के लिए मतदाताओं से अपील की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनीता, श्याम सुंदर, सुनील, सोनी, राम बच्चन, आशा, अजीत कुमार, रंजीत, संदीप आदि लोग सम्मिलित थे। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।